मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार शरीफ प्रखंड के फतेहली गांव स्थित चंद्रिका पावर इथेनॉल प्लांट का आज जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 100 करोड़ की लागत से इस प्लांट का निर्माण किया गया है, जिसमें हर दिन 60,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। इससे आसपास के करीब दर्जनों गांव लाभान्वित होंगे। यहां के जो है कम से कम 200 से लेकर के 250 बेरोजगारों को हर दिन रोजगार मुहैया कराया जाएगा। साथ जो है यहां के आसपास के जो किसान हैं धान और क्या कहते हैं मकई की सीधे उत्पादन को यहां पर बेच सकते हैं, जिससे उन्हें समर्थन मूल्य दिया जाएगा। यूं कहें कि इस इथेनॉल प्लांट के उत्पादन से बेरोजगारी कम होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चाहत है कि इस तरह के प्लांट लगाए जाएं, ताकि यहां के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। एक मिनट सर, हट 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 होगी। ये लगी नहीं लिया हमरे तो हट सुन। का यहाँ उत्पादन होगा और इससे क्या फायदा होगा बिहार स्टेट को? देखिए, ये एक एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 60,000 लीटर पहले का। इसमें हम लोग मकई और चावल से एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। यहाँ पे 210 लोगों को कम से कम रोजगार मिलेगा डायरेक्ट और 1200 लोगों को इनडायरेक्ट। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग 50,000 किसानों से डायरेक्ट मकई और चावल खरीदेंगे, तो वो भी न्यूनतम मूल्य से ज़्यादा का खरीदेंगे। आप समझिए कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर से जितने भी किसान हैं, वो अगर मकई और चावल लगाएंगे तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनका हम चावल भी खरीदेंगे और भूसी भी खरीदेंगे और मकई भी खरीदेंगे। सर, उसका उत्पादन क्षमता कितना है? इसका उत्पादन क्षमता एक दिन में 60,000 लीटर है। क्वालिटी किस तरह से होगी? इसमें एथेनॉल बनेगा और DDGS बनेगा, प्रोटीन। और यहाँ पर चाहिए लिखते हैं सर, अगर नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रुबेल रंजन।